हेलो दोस्तों, क्या हाल है। हाउ टू मेक एंड मेंटेन मनी, ये एक रिच डैड पुअर डैड बुक की स्टडी है। तो इसकी बात करते हैं कि आप कैसे पैसा बना सकते हैं और कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं। फ्लॉज इन स्कूल एजुकेशन, आज की जो स्कूल एजुकेशन है उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, जैसे कि यू पुट टाइम इन टू स्टडी सब्जेक्ट्स यू विल नेवर यूज इन रियल लाइफ। जो हम पढ़ाई करते हैं वो हमारी रियल लाइफ में कभी काम नहीं आती है, तो इसलिए स्कूल बहुत यूजफुल अभी नहीं रहा है। तो नॉर्मली हमारे पेरेंट्स कहते हैं गो टू स्कूल, स्टडी हार्ड एंड गेट ए गुड जॉब, तो ये हमारा कल्चर कहता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं। आप देखते हैं लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज लेके भी फिर उनको कोई अच्छी ढंग की जॉब नहीं मिलती। स्कूल्स फोकस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज बट नॉट ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रियल लाइफ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्कूलों में पढ़ाई होती है लेकिन वो थ्योरेटिक होती है, उसका कुछ प्रैक्टिकल यूज बहुत ही कम होता है। तो आगे इस बुक में बताया गया है कि पुअर और रिच में क्या फर्क होता है। एक्चुअली पुअर और रिच की सोच में बहुत बड़ा फर्क होता है, तो यही कारण है कि पुअर पुअर होता है और रिच रिच होता है, क्योंकि जो रीजन है इस चीज का वो उनकी सोच में है। पुअर आदमी की सोच ही अलग होती है और रिच आदमी एक अलग ही ढंग से सोचता है। आइए देखते हैं कैसे। पुअर आदमी, गरीब आदमी की सोच ये होती है कि लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, है ना। ये आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि पैसा अच्छा नहीं होता। लेकिन रिच आदमी की क्या सोच होती है, द लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। आप ये देखते हो कि पैसे की कमी के कारण ही सब प्रॉब्लम्स, अगर आप सोचें अगर आपके पास अच्छा पैसा हो तो आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आप दूसरों की हेल्प भी कर पाओगे। अगला है कि पूर आदमी सोचता है कि आई कांट अफोर्ड इट, द ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग। पूर आदमी की यही सोच है कि कोई भी चीज़ हो, बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो, कोई भी चीज़ लेनी हो, ट्रैवल करना हो, तो गरीब आदमी को यही लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये अमीरों का काम है। तो लेकिन रिच जो होते हैं, जिनकी सोच रिच होती है, वो ये सोचते हैं, अपने आप से ये पूछते हैं, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। तो अपने आप को ये सवाल पूछते हैं कि ठीक है, महंगी तो है चीज़, लेकिन मैं इसको कैसे अफोर्ड कर पाऊँगा। ये आपको पता होगा कि जब हम अपने आप को क्वेश्चन पूछते हैं तभी फिर उसका आंसर भी मिलता है ना। देन ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग, और अंदर से धीरे धीरे आपको कुछ आंसर भी आने लगते हैं। तो अगर आप अपने आप से सवाल ही नहीं पूछो, अगर पहले ही आपने डिसीजन दे दिया कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता, मैं ये अफोर्ड कर ही नहीं सकता, कि मैं अच्छी लाइफ के लिए पैदा ही नहीं हुआ, तो मैं तो बस ऐसे एवरेज आदमी, एक लो स्टैंडर्ड की लाइफ में ही गुजारा कर लूँगा, तो फिर वैसा ही होगा। तो पूर कहता कि स्टडी हार्ड सो यू कैन फाइंड ए गुड कंपनी टू वर्क फॉर। तो जैसे कि आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों की सोच ये होती थी, अब भी होती है, अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है कि पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ाई करो और जोर लगा के पढ़ाई करो तो फिर आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी। तो लेकिन रिच आदमी क्या कहता है कि स्टडी हार्ड सो यू नो हाउ टू बाई ए गुड कंपनी। तो रिच आदमी की ये सोच होती है कि आप किताबें पढ़ो, नॉलेज प्राप्त करो अपने मेंटर से, जहाँ से भी, आजकल तो इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बुक्स हैं, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले वहाँ से नॉलेज लेके वहाँ पर देखो कि जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, तो उनसे सीखो कि वो कैसे बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये आपका एम ही यही होना चाहिए कि हमें स्टडी जो कर रहे हैं हम नौकरी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि हमने नौकरियाँ पैदा करनी है, हमने बिजनेस अच्छी कंपनीज इस्टेब्लिश करनी है और धीरे धीरे और लोगों को भी अपने साथ काम में जोड़ना है और ऐसे धीरे धीरे करके और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि हाउ टू बाय ए कंपनी, ऐसा नहीं कि किसी कंपनी में काम ही करना है। तो अगला ये है कि द रीज़न आई एम नॉट रिच इज बिकॉज आई हैव यू किड्स। तो बात वही आ जाती है कि आपका क्या नज़रिया है किसी भी चीज़ को, या वो कहते हैं ना आधा ग्लास भरा है या आधा खाली है। तो आप जैसे रिच आदमी की यही होता है कि वो सोचता है कि पॉजिटिव वे से कि द रीज़न आई मस्ट बी रिच इज बिकॉज आई हैव यू किड्स। पुअर कहता है द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी। अच्छा,
हाँ, ये उनका भी यही सोच होती है कि जॉब, अब हमने बस जॉब ही, नौकरी ही करनी है किसी की, नौकरी का मतलब ही नौकर की। ये ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए, शुरू में थोड़ी देर के लिए सीखने के लिए आपको जॉब वगैरह करनी पड़ती है, लेकिन आपकी मन अंदर की सोच होनी चाहिए कि ये जॉब ये थोड़ी देर के लिए है, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है। अल्टीमेटली तो हमने अपना कुछ, वी हैव टू बी आवर ओन बॉस। तो जो रिच होता है वो कहता है कि द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम, वो द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम, वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पैसा उनके लिए काम करता है, वो पैसे के लिए काम नहीं करते। तो वो या दे क्रिएट ए सिस्टम, तो द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। इस चीज़ का लोगों को समझ नहीं आता कि कई बार हम कहते हैं कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा उनके लिए काम करता है। तो वो ऐसे ही करता है कि दे क्रिएट सिस्टम, सिस्टम का मतलब वो बिजनेस बिजनेस बनाते हैं, जिससे बिजनेस और एसेट्स बनाते हैं जिससे पैसा आपको आता रहता है। तो पूर्व जो लोग, जो उनकी सोच गरीब होती है, उनका बस यही होता है कि जॉब ही करनी है हमेशा, और तो कुछ करना नहीं है, 9 to 5 जॉब ही करते रहेंगे। तो आप देखते ही हो, 9 to 5 जॉब करने के बाद, 40 साल जॉब करने के बाद, फिर भी क्या वो जब रिटायर होने के बाद कितने रिच हो जाते हैं आपको पता ही है। तो रिच जो होते हैं उनकी सोच ये होती है कि सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए एसेट्स हो और बिजनेस हो, कि रेजिडुअल इनकम, उनसे पैसिव इनकम अपने आप आती रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जॉब में आपको 40 साल मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ आपको बिजनेस करेंगे तो उसमें 2, 3, 4 साल, एक बार आपने इस्टेब्लिश कर लिया तो फिर सारी ज़िंदगी आराम है। तो चलो, ये काफ़ी हो गया, बाकी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।